नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर राहुल कुमार अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, खासकर जो फ्रेशर सिविल इंजीनियर हैं। आज हम आपको यूनिट कन्वर्जन के बताएंगे, जैसे किसी भी यूनिट को चेंज करते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है। इसको आप ध्यान से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि फ्रेशर लोग से ये ज़्यादातर इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन कर ही देता है। तो उससे पहले एक ख़ास बात ये है कि आप मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए ना, ऐसे करके कर लीजिए। उसके बाद आपके लिए हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे, तो आपको मेरे चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिलेगा, नहीं तो डायरेक्ट भी आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं यूनिट कन्वर्जन। उससे पहले एक हम नोट लिख दिए हैं, सीएम जहाँ लिखे होंगे उसका मतलब होगा सेंटीमीटर, एमएम जहाँ लिखे होंगे उसका मतलब होगा मिलीमीटर, मतलब इसका 100 रुपया है। आज हम लेंथ का यूनिट कन्वर्जन बताएंगे आपको। यहाँ लिख देते हैं LENGTH, लेंथ लेंथ का ये यूनिट कन्वर्जन है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर में आपका 100 सेंटीमीटर होता है। अगर आपको कोई एमएम इसको पूछे कि 1 मीटर में कितना एमएम होता है, तो आप बता सकते हैं 1 मीटर में 1000 एमएम, मतलब 1 मीटर इक्वल टू 1000 एमएम, मिलीमीटर, एमएम इक्वल टू मिलीमीटर, आपको नोट में बताया ही है। अब देखिए अगला पॉइंट है, 1 मीटर इक्वल टू 3.28 फीट, मतलब 1 मीटर में 3.2828 फीट। अगला, 1 मीटर इक्वल टू 39.37 इंच। अगर कोई आपको मीटर को इंच में पूछता है कि इंच कितना होता है, तो आप उसको बता सकते हैं 1 मीटर में 39.37 इंच होगा। अब देखिए, 1 फीट इक्वल टू 0.304 मीटर होता है, मतलब 1 फीट को अगर मीटर में चेंज करेंगे तो आपका इतना आएगा। 1 फीट को अगर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1 फीट इक्वल टू 30.48 सेंटीमीटर, मतलब 30.48 सेंटीमीटर। अगर 1 फीट को हम एमएम में चेंज करेंगे तो ये होगा 1 फीट इक्वल टू 304.8 एमएम। 1 फीट को इंच में चेंज करेंगे, ये तो ज़्यादातर लोगों को मालूम होता है और रहना भी चाहिए, 1 फीट में 12 इंच होता है। अब देखिए इंच को कन्वर्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला है, 1 इंच इक्वल टू 25.4 एमएम। अगला, 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। अगर इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो होगा 1 इंच इक्वल टू 0.0254 मीटर। 1 इंच इक्वल टू, अगला है मेरा, अगर इंच को फीट में चेंज करेंगे तो होगा 1 इंच इक्वल टू 0.083 फीट। इसको तो आपको खास करके आपको सिविल फ्रेशर या एक्सपीरियंस होल्डर से पूछ देता है सब, 1 इंच में कितना फीट होता है। इसको हम लोग चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 1/12 कर देते हैं, मतलब 1 मीटर, 1 फीट इक्वल टू 12 इंच करेंगे ना, तो ये आपका आ जाएगा। इसको हम एक डिटेल वीडियो में बता देंगे। अब देखिए अगला है मेरा, सूत, मतलब 1 इंच इक्वल टू 8 सूत, मतलब 1 इंच में 8 सूत होता है। ज़्यादातर मिस्त्री लोग इसका प्रयोग करते हैं, या मैकेनिकल या सिविल, सब लोग का इसका प्रयोग होता है। सूत वाला ज़रूर आप याद रखिएगा। आप लोग मेजरिंग टेप पर भी हम इसको पढ़ना सिखाएंगे आने वाले वीडियोस में। तो आगे देखते हैं, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 एमएम, या मतलब 1 सेंटीमीटर का वैल्यू होगा 10 एमएम। अब देखिए, 1 सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करेंगे तो होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 0.01 मीटर। 1 सेंटीमीटर को फीट में चेंज करेंगे तो वो होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 0.0328 फीट। अगर 1 सेंटीमीटर को इंच में चेंज करते हैं तो वो होगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू
0.039। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो, आपके यूजफुल हो आपके लिए, प्लीज़ मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दीजिए। देखिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही बेहतर से बेहतर वीडियो लाते रहें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो में। तब तक आप अपने और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कहे नए एनर्जी और एक नए ऊर्जा और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।